नमस्कार, स्वागत है आपका वीक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। कहते हैं प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। प्यार निभाने के लिए रिश्ते नाते भूलकर एक दूसरे के हो जाने के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन यह घटना बेहद ही चौंकाने वाली है। प्यार की इस अनोखी कहानी में रिश्ते में बंधे दो ऐसे लोगों को एक दूसरे से प्यार हो गया जिसे आमतौर पर माँ बेटे का रिश्ता समझा जाता है। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर में 50 साल की सास को अपने 25 साल के दामाद से इश्क हो गया। इतना ही नहीं, वे एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूबे कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया जिस पर भरोसा करना मुश्किल है। लड़का लड़की के भागकर शादी करने के किस्से तो अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन प्यार में पागल इन सास और दामाद ने भी एक ऐसा ही रास्ता चुना है। दोनों ने हमेशा साथ रहने के लिए घर से भागकर शादी कर ली। जिले में भोरा कला थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला ने हाल ही में अपनी बेटी की शादी की थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे अपने दामाद से प्यार हो गया। इसके बाद महिला अपने दामाद के साथ घर छोड़कर भाग गई। भागने के बाद वे करीब 10 महीने तक एक साथ रहे और फिर शादी करके ही घर लौटे। उनकी शादी के बारे में जब दोनों के रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों को पता चला तो इलाके में हड़कंप मच गया। किसी ने भरोसा नहीं किया। सास और दामाद के इस इश्क की चर्चा अब पूरे इलाके में हो रही है। जब दामाद के ससुर और उसकी पहली पत्नी को इसकी जानकारी हुई तो खूब हंगामा हुआ। मामला पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचा, लेकिन सास और दामाद ने साफ कह दिया कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और साथ में रहना चाहते हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों का शांति भंग करने का चालान कर दिया। सास और दामाद अपनी जिद पर अड़े हैं, जिससे कि दोनों के परिवार वालों ने हार मान ली है और दोनों से रिश्ता खत्म कर लिया है। हालांकि वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।